नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। किरतपुर में अल शफा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस की शुरुआत से विद्यार्थियों में खुशी है। कार्यक्रम के दौरान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर परास ने 10% गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की घोषणा की है। इंस्टीट्यूट की ओपनिंग में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ रॉनी संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता साप्ताहिक समाचार पत्र के ट्रुथ नेशन के संपादक एवं इंस्टीट्यूट के प्रबंधक शाहनवाज बेग ने की है एवं सफल संचालक एक्सप्रेस न्यूज भारत के वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन सिंह ने किया है। कार्यक्रम के दौरान इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट कमेटी ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों एवं पत्रकारों मास्टर शाहिद ने फूलमालाओं से स्वागत किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि अरुण कुमार उर्फ रोनी ने अलशफा इंस्टीट्यूट को विद्यार्थी के लिए तकनीकी शिक्षा और मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी पहल बताया है। इंस्टीट्यूट के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने विद्यार्थियों के भविष्य संवारने को लेकर मेडिकल क्षेत्र के अलावा कई प्रकार के मैनेजमेंट कोर्सेज की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की है। वहीं पर कार्यक्रम समाप्ति पर अलशफा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर फराज एवं स्कूल मैनेजर सफीना परवीन, प्रधानाचार्य श्रीमती नंदिनी देवी व वरिष्ठ युवा समाज सेवी विशाल कुमार ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे समाज सेवियों, महिलाओं व नगर के सभी पत्रकारों को हार्दिक आभार व्यक्त किया। जी, आज यहाँ इंस्टीट्यूट की ओपनिंग हुई तो क्या डिटेल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? डिटेल ये है कि ये किरतपुर में अहमदगंज में हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन करा है जिसका नाम है अलशफा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। जी, जहाँ पर हमारे पैरामेडिकल से कोर्सेज शुरू किए जाएंगे और यहाँ के जो एरिया है, हमारा क्षेत्र है किरतपुर, यहाँ के बच्चों को हम पैरामेडिकल कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जी जी, कौन कौन से कोर्सेज होंगे हमारे पास? CMSED है जो 10th के पास किया जा रहा है। जी जी, वो कोर्स कराया जाएगा और हमारे यहाँ ऐसे भी कोर्सेज होंगे जिसमें छात्र और छात्राओं को फ्री में कोर्स कराए जाएंगे और कुछ छात्रों को 50% की छूट पर यहाँ कोर्स कराए जाएंगे। ठीक, क्या सुनो अपना? मेरा नाम डॉक्टर फराज है। जी, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एज अ डायरेक्टर जी अलशफा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल की आज नींव रखी किरतपुर में। जी, और सर मैं बच्चों के लिए बहुत कुछ एजुकेशन क्षेत्र में करना चाहता हूँ। जी, जैसे कि अभी पैरामेडिकल क्षेत्र से हमने एफिलिएशन लिया है APJ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का। जी, जो कि हमें भी बहुत सपोर्ट कर रही है काउंसिल। जी, इस काउंसिल के माध्यम से हम एक DMLT, DPT, OT और CMSED। जी, CMSED लाने का मेरा ये मकसद है सर, मैं खुद एक आर्ट साइड से पढ़ा हुआ था पहले। जी, तो मैंने 12th की थी, स्टार्टिंग में आर्ट साइड से की थी। जी जी, और बनना मैं डॉक्टर चाहता था। जी, तो ये तो संभव नहीं है। जी, ठीक है, तो इसमें अभी एक सुप्रीम कोर्ट का एक वैलिड कोर्स है CMSED। जी, जिसमें हम अपना प्राथमिक उपचार केंद्र ओपन कर सकते हैं। जी, और 62 ड्रग्स के साथ, 62 दवाइयों के साथ उसको चला सकते हैं। जी, ठीक है, तो ये जो कोर्स है 10वीं के बाद भी हो जाता है। ये एफिलिएशन कहाँ से है? एफिलिएशन है APJ स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से। जी, बच्चे हमारा जो ग्रेजुएशन का एफिलिएशन है एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है। जी जी, जब बच्चे अपना करियर यहाँ से जो भी कोर्सेज यहाँ से बच्चे करेंगे तो वो अपना जो बेहतर करियर कैसे समझे? सर, बेहतर करियर के लिए तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए बच्चा जब कोर्स करेगा तो हम उसको DMLT करेगा यहाँ से, तो जाहिर सी बात है लैब करेगा, CMSED करेगा, अपना क्लिनिक लेकर बैठेगा, OT करेगा किसी हॉस्पिटल में, OT लेकर बैठेगा। सर क्या होता है ना, जितनी ज्यादा पढ़ाई करेगा उतना ही अच्छा बच्चे का भविष्य। कोर्सेज रहेंगे तो क्या निःशुल्क रहेंगे या कैसे रहेंगे? जी सर, इसके बारे में सर, इसमें हमने एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें हम मिनिमम 100 रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी, ठीक है, उसमें से हम एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे। एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो कैपेबल बच्चा होगा तो उसमें 10% बच्चे हमारे फ्री पढ़ेंगे। जी, ठीक है, और जो उसमें 50% बच्चे होंगे वो हमारे 50% ही फीस पेड करेंगे। अच्छा, ठीक है, बाकी के 40% बचे हुए बच्चे 80% फीस पेड करेंगे। इसके अलावा जो हम प्रोग्राम चलाएंगे UPSDM PMKAY से, मैं पूरा पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर लाने की उसके सेंटर, तो उसको निशुल्क रहते हैं। जी जी, अच्छा, जो सरकारी योजनाओं का भी लाभ बच्चों को मिलेगा? जी सर, बिल्कुल, ये UPSDM PMKAY सरकारी योजना है। अच्छा अच्छा,
जी जी अच्छा, तो फिलहाल छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके गार्जियंस के लिए आपके संदेश देने जाएंगे। सर मैं ये संदेश देना चाहूँगा, देखिए बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं जी, ठीक है, माँ बाप रोकते हैं लड़कियों को, तो सर उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि देखिए जीने के लिए ना सर रोटी कपड़ा और मकान बहुत जरूरी है, ठीक है, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी रोटी मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे और अच्छा ही मकान मिलेगा, तो हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चों को ये फैसिलिटी मिले, तो इसलिए पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। और सर इसके साथ साथ ना मैं एक रोजगारी पर भी काम करूंगा यहाँ पर गिरतपुर में, फैकल्टी पर जी सर, यहाँ पर 50 से 55 वैकेंसी मुझे अभी निकालनी है 2 से 3 महीने में, जी जी जी, जो मैं अभी निकालूंगा विशाल भाई और शाहनवाज भाई के थ्रू। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा विशाल सिंह है। जी आज ये ओपनिंग हुई इंस्टीट्यूट की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें ये कहूँगा कि हमारे सीनियर दोनों दोस्त बैठे हैं जी, और मैं संपादक जी का शुक्रगुजार हूँ, अपने पत्रकार हूँ जी जी काफी टाइम से जी, तो इनका शुक्रगुजार इस करना हूँ कि एज ए प्रिंसिपल माय वाइफ नंदिनी देवी को बनाया गया है जी जी, जो आगे चलकर इनकी सपोर्ट से हमारे सपोर्ट से यहाँ काम करेंगे जी जी, और बच्चों के लिए यही है कि जैसे सर लाए हैं जी, कभी कभी क्या होता है हमारे यहाँ एक वो है कि भाई शिक्षित जी बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था जी जी, तो उस पर उसके हिसाब से हम लोग काम करना काम जी 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 ठीक है।